आज हम देखेंगे ओम्स लॉ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो का लिंक आपका नीचे चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ओम्स लॉ आप लोग को पहले से ही पता होगा, ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर आता है। बट आई आर आता कैसे है ये हमको जानना जरूरी है। तो अगर आप कोई कंडक्टर ले रहे हैं, ये कोई कंडक्टर है ए से बी में, इसका वोल्टेज है वी ए, इसका वोल्टेज है वी बी, इसका रेजिस्टेंस है आर। मैंने आपको बताया है कि करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो रहा है, फ्लो होता है। तो आपका मान लेते हैं करंट आपका ए से बी फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वी ए आपका क्या है, हायर पोटेंशियल है। क्या है? हायर पोटेंशियल है। और वी बी आपका लोअर पोटेंशियल है, इसलिए आपका करंट वी ए से वी बी फ्लो हो रहा है। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें साइन क्या आएगा, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज जो आपका साइन बनेगा वो आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड माइनस, क्योंकि करंट हायर से लोअर फ्लो होगा। अब ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी कंडक्टर में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी। क्या होता है? करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वी एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एट एनटीपी। ठीक। देन यहाँ से आई इक्वल्स टू आप क्या डालते हो, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट वी बाय आर। इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर और मटेरियल, जिसमें इस आर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओ एच ओम, ओम होता है। तो ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर इसको और कई तरीके से डेफिनेशन को क्रिएट किया गया है कि वी बाय आई और वी बाय आई इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंस आर। यहाँ से डिफाइन किया गया है, यहाँ से भी डिफाइन किया गया है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई भी वी के प्रोपोर्शनल है और वी भी आई के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से भी डिफाइन किया गया है। एंड फिर वी इक्वल्स टू लिखा है कि आई इक्वल्स टू आई इन टू आर। तो कहीं से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ओम्स लॉ को। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमको पढ़ना है इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस में आप क्या देखते हैं, इंडक्टेंस को डिनोट करने का तरीका है या बनाने का तरीका है, सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। इसको लिखा हमने एल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगेन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि करंट हमारा ए से बी फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। इस इंडक्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी, ये आपका ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इसको हमने रिप्रेजेंट किया आई से। तो इंडक्टेंस में करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई सॉरी 1/L इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी आई डी टी नहीं, वी डी टी। आई इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी वी डी टी। यहाँ से आपको मिलेगा वी इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसमें एनर्जी निकलता है ई इक्वल्स
इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ये आपको इस इंडक्टेंस में याद रखना है कि आई आई निकालने का फॉर्मूला है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और वोल्टेज निकालने का वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, एनर्जी निकालना है तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से। इसका यूनिट होता है हेनरी, जिसको H लिखते हैं। इसका यूनिट होता है फैराड, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपेसिटेंस को बनाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसा बनाते हैं और एक C जैसा या फिर एक दो पैरेलल लाइन के रूप में। ये A है, ये बी है, ये इंटी सी है। मान लेते हैं करंट हमारा ए से बी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। तो आप इसमें क्या फार्मूला बनता है, इसमें आपका फार्मूला बनता है आई इक्वल्स टू सी डी वी बाय डी टी, और वी आएगा यहाँ से, इसी को जस्ट इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। यहाँ एक और फार्मूला आता है एनर्जी का, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, और क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है इंडक्टेंस में, क्या आई इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और वोल्टेज के टर्म्स में वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, एनर्जी हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटेंस में भी वही होगा, हाफ ऑफ एल आई की जगह हो जाएगा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ये करंट स्टोर करता है इसलिए हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटेंस एज ए वोल्टेज स्टोर करता है इसलिए हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। आगे अभी आपको और क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, वोल्टेज के टर्म्स में 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्यू इक्वल्स टू सी वी, और एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में। रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया ही है, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है आर इक्वल्स टू वी बाय आई, एक ये यानी कि वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। पावर निकालना है तो आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, ये आपको याद रखना है। पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉप्स करंट लॉ, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको और ज़रूरत है आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। सी यू।